हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमन आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफ टॉप एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने एक ये जो मिनिएचर बैम्बू का प्लांट है उसको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक पॉट चूज कर लिया है। ये एक बॉन्साई पॉट है दोस्तों, लेकिन ये इसके लिए इनफ होगा और इसे में काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा। ये वाइट कलर का है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पॉट है। और ये मेरा जो बैम्बू का प्लांट है ये भी काफ़ी छोटा है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक सॉइल मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें लगभग मैंने 30% कोकोपीट ऐड किया है, बाकी बजरी थोड़ा बहुत ऐड किया है, सैंड है और थोड़ा सा कंपोस्ट है। वो कंपोस्ट है जो दोस्तों शुगर कैन मड होता है उससे जो बनाई जाती है वो कंपोस्ट है, थोड़ा सा काउडंग मैन्योर है। तो और थोड़ा बहुत गार्डन सॉइल भी है इसमें दोस्तों। तो इसमें एक ऐसा मैंने सॉइल मीडिया तैयार किया है जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहा है दोस्तों, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये सूख जाता है तो इसकी पत्तियां जो हैं येलो होने लगती हैं। तो जब ये मेरे पास आया था तो इसकी बहुत सारी लीव्स गिर गई थी, क्योंकि ये अंदर पैक होके आया था। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, आई थिंक आप लोगों ने देख ली होगी। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो दोस्तों वो मेरे चैनल पे जाके भी उसमें प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि वो वीडियो जब मैं इसको अनबॉक्स किया था तो ये कि इसकी सिचुएशन कैसी थी। सेम ऐसी थी, अभी एक दिन तो हुआ है हुआ, तो मैं इसको आज रिपोर्ट करूंगा, इसकी केयर के बारे में बताऊंगा, इसकी क्या क्या केयर करनी है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है दोस्तों, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है हमें टाइम टू टाइम, और बहुत सारी बातें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले दोस्तों एक काम आप कर लीजिए, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों ये पॉलीबैग है जो उसको मैं काट के निकालूंगा, आई डोंट वांट मैं एक कोई भी इसकी जो रूट बॉल रूट है एक भी डैमेज नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं इसको काट दूंगा। पहले इसको काटता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है पॉलीबैग से। अब जो ये आप पॉट देख रहे हो इसमें इसको लगाऊंगा, वो फ़िलहाल मुझे इसमें से कुछ मिट्टी निकालनी पड़ेगी ताकि जो न्यू सॉइल ऐड करूं वो इसके लिए बेटर हो। तो पहले इससे मैं कुछ मिट्टी निकालता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने इसका रूट बॉल को थोड़ा साफ़ किया, बहुत मेहनत लगी इसमें, चिकनी मिट्टी में दोस्तों ये ग्रो किया हुआ है। और इसके रूट्स सिस्टम काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो ये जो कुछ लंबी रूट्स हैं इनको मैं काट दूंगा, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो अब इसको अच्छे से प्लेस करते हैं दोस्तों, और वैसे शाम का वक्त हो गया है, सनसेट भी हो गया है, तो धूप भी चली गई है, बिल्कुल हल्की सी लाइट है, तो इसमें वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो जो सॉइल है पहले उसको मैं साइडों में भर देता हूँ अच्छे से। इसको दोस्तों मॉइस्चर देने के लिए ही सारा के जो काम कर रहा हूँ मैं, ताकि इसमें मॉइस्चर इसकी सॉइल में बना रहे, और क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी आ रही है। वैसे दोस्तों बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे, साथ में वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, काम करते करते बात कर लेते हैं कि इसकी केयर हमें कैसे करनी है। इसकी केयर बहुत ईजी है दोस्तों, बस इसके जो सॉइल में मॉइस्चर हमें बना के रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है सॉइल को, हाँ हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है। तो साइडों में अच्छे से इसमें सॉइल भर लीजिए दोस्तों। इसमें मैंने सॉइल भर लिया है जो मैंने मिक्सचर बनाया था, और इसमें थोड़ा सा मैंने हल्का सा लगभग हाफ एन इंच मैंने इसमें थोड़ी जगह दी है, और सॉइल तो वैसे वेल ड्रेन्ड है, और दोस्तों थोड़ा इसमें कोकोपीट है तो सॉइल मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा। और बात करते हैं दोस्तों उसकी सबसे पहले इसकी केयर की, तो इसको किसी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, लेकिन इसको सही जगह अच्छी जगह पर रखना ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि इसको हम रखें कहाँ पर। तो इसको रखने के लिए हमें चाहिए सेमी शेड एरिया,
डायरेक्ट सनलाइट में आप रखोगे इस टाइम तो ये बर्न हो जाएगा दोस्तों। आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, लेकिन हफ्ते में आपको 3-4 घंटे की इसको प्रॉपर धूप देनी होगी। नहीं तो अगर आप इसको विंडो के आसपास कहीं रखो जहाँ से सनलाइट आती हो, अच्छी लाइट आती हो, वहाँ पे आप इसको रखो तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा दोस्तों। और वैसे भी आप दिन की 1-2 घंटे की धूप इसे दे सकते हो, ऐसी जगह प्लेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसमें जो खाद ऐड कर सकते हो तो आप इसमें DAP के जो 4 या 5 दाने महीने में एक बार इसके पॉट में डाल दीजिए। और अगर आप कोई नाइट्रोजन बेस इसमें खाद डालना चाहते हो, जैसे काउडंग मेन्योर हो गया, फिर या NPK है, तो आप मंथली इसको दे सकते हो। वाटर में डाइल्यूट करके, वाटर उसमें घोल के आप इसको थोड़ा सा ही दो तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और बाकी जब भी आप इसको वाटरिंग करो, इसको अच्छे से इसको शावर दे दो, इसको नहला दो दोस्तों प्लांट को, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो ये हो गई दोस्तों इसकी केयर की बातें, और इसको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। बाकी की जो इसकी अपडेट है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। नमस्कार।